यूपी के हरदोई में इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित एक फायर ब्रिगेड फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कोतवाली शहर क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित अलका ब्रिगेड फैक्ट्री में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, जिसे फैक्ट्री में लगी कुछ मशीनें जलकर राख हो गई हैं। पूरी तरह से जलकर सारा सामान राख हो गया है। आग लगने पर पूरा हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि सूचना दमकल कर्मियों को दी गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग को काबू पाई है। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड के अंदर उस वक्त हुई शॉर्ट सर्किट जब बिजली की तार जलने लगी। धीरे धीरे जलता हुआ तार डीजल के टैंक तक पहुंच गई। आग लग गई और तभी हड़का तड़की मच गई है। जिस तरह प्लास्टिक का टैंक बनकर उसमें डीजल भरा था, पूरी तरह से गलत है। अगर सीमेंट टैंक बना होता तो शायद ब्रिगेड आग ना लग पाती। आप देख सकते हैं प्राइम बेकिंग न्यूज चैनल के लिए हरदोई से मोहम्मद गुलफान खान की खास रिपोर्ट। अलका ब्रिगेड फैक्ट्री जो आवास विकास की है, इसमें ये प्रदीप गुप्ता जी की है। इसमें इसके फर्स्ट फ्लोर पर छत पर एक टीन शेड का शेड बनाया गया है और उसके बगल में एक कमरा भी है। उसी में जो टीन शेड कमरे से अलग जो टीन शेड है उसी के नीचे एक इनका इलेक्ट्रिक पॉइंट था, जो ऊपर का जो फैन लगा हुआ है जो फ्रेश एयर देता है स्मोक निकलने का, तो उसके लिए वहाँ MCB बॉक्स और इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट वहाँ लगा हुआ है, तो वो जल करके टूट करके गिर गया है। और वहीं पर इनका डीजल का टैंक रखा हुआ था जिसमें 150 लीटर तेल बताते हैं लगभग, 150 वो प्लास्टिक के टैंक में रखा हुआ था। तो प्लास्टिक के टैंक से वहीं से उसमें नीचे ऐसे कनेक्शन बनाए गए थे जो इनके भवन को बता रहा इनके भवन को सप्लाई करता था डीजल। पूरी उसी स्थान पर यह संभवतः अभी प्राथमिक तौर पर यह लगा कि ये विद्युत शॉर्ट सर्किट से आ गई। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।